शादी होगी तो आप लोगों को लगता है कि मैं इतना शांति से शादी करूंगी, पूरा चिल्ला चिल्ला के हजारों लहंगे सिलेक्ट करके रिजेक्ट करने के बाद फाइनल करके ऐसे शादी करूंगी। तो जब करूंगी तो आप लोगों को पता, शादी होगी तो सबको बता के होगी। आपको लगता है कि मैं इतनी चुप वाली लड़की हूँ कि मैं चुपके से कर लूंगी? ये तो सबको बताऊंगा, मिल गया जो मुझे लगा कि डिजर्व करता है, इंडस्ट्री का होगा। अगर मुझे कोई बाहर ऐसा मिल गया जो मुझे लगा कि मुझे डिजर्व करता है तो बाहर का होगा। क्राइटेरिया ये है कि ईमानदार होना चाहिए, चाहे इंडस्ट्री का हो या इंडस्ट्री के बाहर का। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस ईमानदार होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए औरतों को। मुझे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ना उठाए, मुझे सम्मान भी दे, मुझे अपने से छोटा ना समझे, कमज़ोर ना समझे, अपने बराबर से। प्लीज़ मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा था, सेट पे सब लोग हंस रहे थे, मत करो इनका बात, मत सुनो, आप लोग प्लीज़ मत आओ, अपना पढ़ाई लिखाई करो, अपने करियर पे ध्यान दो। जब आपके जीवन में जो लिखा होगा ना, जो जीवन साथी लिखी होगी आपको मिल जाएगी। ऐसे कभी सेट पे मत आओ यार तुम। नहीं यार, शादी होगी तो आप लोगों को लगता है कि मैं इतना शांति से शादी करूंगी, पूरा चिल्ला चिल्ला के हजारों लहंगे सिलेक्ट करके रिजेक्ट करने के बाद फाइनल करके ऐसे शादी करूंगी। तो जब करूंगी तो आप लोगों को पता चलेगा। ये तो मैं शूटिंग से आई हूँ डायरेक्टली, तो मेकअप रिमूव किया तो ये अच्छे से निकला नहीं होगा। लेकिन जब शादी होगी तो सबको बता के होगी। आपको लगता है कि मैं इतनी चुप वाली लड़की हूँ कि मैं चुपके से कर लूँगी? ये तो सबको बताऊंगा, ये तो हमें नहीं लगता है। लड़का कैसा होगा, इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री से बाहर? इस बारे में मैंने सोचा नहीं। अगर मुझे इंडस्ट्री में ही कोई ऐसा मिल गया जो मुझे लगा कि डिजर्व करता है तो इंडस्ट्री का होगा। अगर मुझे कोई बाहर ऐसा मिल गया जो मुझे लगा कि मुझे डिजर्व करता है तो बाहर का होगा। क्राइटेरिया ये है कि ईमानदार होना चाहिए, चाहे इंडस्ट्री का हो या इंडस्ट्री के बाहर का। ईमानदारी ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। मैं हर बार कहती हूँ, पैसा तो मैं कमा ही रही हूँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस ईमानदार होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए औरतों को। मुझे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ना उठाए, मुझे सम्मान भी दे, मुझे अपने से छोटा ना समझे, कमज़ोर ना समझे, अपने बराबर समझे। ऐसा लड़का मुझे चाहिए। और वैसा जो अगर इंडस्ट्री में मिला तो इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर मिला तो बाहर। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अम्बाली जी अभी भी सिंगल है। इन्होंने तो बता दिया, अगर आप फैन हैं आप भी ट्राई कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम। नहीं नहीं, प्लीज डोंट से दिस। अभी हम लोग एक शूटिंग कर रहे थे, विवाह 3 पिक्चर की शूटिंग मेरी अयोध्या में चल रही थी, और वहाँ पे एक ऐसे ही मेरे मुझे चाहने वाले शुभ चिंतक मेरे आए, जिनकी उम्र बहुत कम थी, आई थिंक 22 साल के वो थे। बहुत दूर से आए थे, कानपुर से आ गए थे अयोध्या तक, लिटरली रो रहे थे वो कि आप प्लीज़ मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा था, सेट पे सब लोग हंस रहे थे लेकिन मुझे देख के बहुत ख़राब लग रहा था। मुझे लग रहा था यार मैं क्या रिएक्ट करूँ इसमें। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे मत करो, इनका बात मत सुनो, आप लोग प्लीज़ मत आओ, अपना पढ़ाई लिखाई करो, अपने करियर पे ध्यान दो। जब आपके जीवन में जो लिखा होगा ना, जो जीवन साथी लिखी होगी आपको मिल जाएगी। ऐसे कभी सेट पे मत आओ यार, तुम लोग को रोते हो देख के मेरे को रोना आता है। फिर प्लीज़ रुलाओ मत मुझे।